प्रतिरूप प्रश्नों का सरलीकरण इस वीडियो में हम सीखेंगे नौ निन्यानवे 99 और नौ सौ निन्यानवे वाले प्रश्नों को हल करना पांच पच्चीस और एक सौ पच्चीस वाले प्रश्नों को हल करना प्रतिरूप को समझकर क्रम आगे बढ़ाना नौ निन्यानवे और नौ सौ निन्यानवे वाले प्रश्नों को हल करना बच्चों क्या आप नवासी प्लस नौ का मान बता सकते हैं बस दस सेकंड है आपके पास देखिए नौ को हम लिख लेंगे दस माइनस एक तो ये हुआ नवासी प्लस दस माइनस एक बस अब किसी संख्या में दस जोड़ना या घटाना तो आसान है ना तो नवासी प्लस दस हुआ निन्यानवे और माइनस एक हुआ अट्ठानवे आप सोच रहे होंगे मैंने नौ को दस माइनस एक क्यों लिखा हाँ सवाल को आसानी से और जल्दी से हल करने के लिए इसी तरह अगर हमें नवासी प्लस निन्यानवे हल करना हो तो हम निन्यानवे को सौ माइनस एक लिख लेंगे तो नवासी प्लस सौ हुआ एक सौ नवासी और माइनस एक हुआ एक सौ अट्ठासी और अब अगर नवासी प्लस नौ सौ निन्यानवे हल करना हो तो हम नौ सौ निन्यानवे को एक हजार माइनस एक लिख लेंगे तो नवासी प्लस एक हजार हुआ एक हजार नवासी और माइनस एक हुआ एक हजार अठासी अच्छा अब अगर हमें एक हजार आठ सौ पैंतालीस माइनस नौ हल करना हो तो देखिए यहां भी हम नौ को दस माइनस एक लिख लेंगे तो ये हो जाएगा एक हजार आठ सौ पैतालीस माइनस दस माइनस एक हुआ एक हजार आठ सौ पैंतालीस माइनस दस प्लस एक बच्चों जब कभी कोष्ठक के बाहर माइनस चिन्ह होता है तो कोष्ठक के अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं देखिए दस हो गया माइनस दस और एक हो गया प्लस एक तो एक हजार आठ सौ पैंतालीस माइनस दस हुआ अठारह सौ पैंतीस और प्लस एक हुआ अठारह सौ छत्तीस एक हजार आठ सौ पैंतालीस माइनस निन्यानवे हल करना हो तो हम निन्यानवे को सौ माइनस एक लिख देंगे तो ये हो जाएगा 1845 माँनस 100 माँनस एक हजार आठ सौ पैतालीस माइनस सौ माइनस एक देखिए यहां भी कोष्ठक के बाहर माइनस चिन्ह है तो यहां भी कोष्ठक के अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे तो यह हो जाएगा एक हजार आठ सौ पैंतालीस माइनस सौ प्लस एक हजार आठ सौ पैंतालीस माइनस सौ हुआ सत्रह सौ पैंतालीस और प्लस एक हुआ सत्रह सौ छियालीस और इसी तरह अगर हमें 1845 सौ पैंतालीस माइनस नौ हल करना हो तो हम नौ सौ निन्यानवे को एक हजार माइनस एक लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1845 सौ पैंतालीस माइनस एक हजार माइनस एक हुआ 1845 सौ पैंतालीस माइनस हजार प्लस एक देखिए यहां भी कोष्टक के बाहर माइनस चिन्ह था तो कोष्ठक के अंदर के चिन्ह बदल गए 1845 सौ माइनस एक हुआ 845 और प्लस एक हुआ 846 कुछ समझे बच्चों हमने 9 की जगह 10 माइनस एक निन्यानवे की जगह 100 माइनस एक और नौ सौ की जगह 1000 हजार माइनस एक लिखा क्योंकि किसी भी संख्या में दस सौ और एक हजार जोड़ना आसान होता है ना तो बस इससे दिया गया प्रश्न आसान हो जाता है और हम बड़ी आसानी से प्रश्न हल कर सकते हैं है ना मजेदार अच्छा अब सड़सठ गुणा नौ को हल करिए देखिए यहां भी हम नौ को दस माइनस एक लिख लेंगे तो सड़सठ गुना दस माइनस एक हुआ सड़सठ गुना दस माइनस सड़सठ गुना एक सड़सठ गुना दस हुआ छ सौ सत्तर और सड़सठ गुना एक हुआ सड़सठ और छह सौ सत्तर माइनस सड़सठ हुआ छ सौ तीन इसी तरह सड़सठ गुना निन्यानवे को हल करने के लिए निन्यानवे को 100 माइनस एक लिख लेंगे तो सड़सठ गुना निन्यानवे हो जाएगा सड़सठ गुना सौ माइनस एक सड़सठ गुना सौ हुआ सड़सठ सौ और सड़सठ गुना एक हुआ सड़सठ और सड़सठ सौ माइनस सड़सठ हुआ छ हजार छ सौ तैतीस और इसी तरह अगर सड़सठ गुना नौ सौ निन्यानवे को हल करना हो तो, तो नौ सौ निन्यानवे को एक हजार माइनस एक लिख लेंगे तो सड़सठ गुना एक हजार हुआ सड़सठ हजार और सड़सठ गुना एक हुआ सड़सठ और सड़सठ हजार माइनस सड़सठ हुआ छियासठ हजार नौ सौ तैतीस बच्चों इसी तरह ग्यारह एक सौ एक और एक हजार एक को दस प्लस एक सौ प्लस एक और एक हजार प्लस एक लिखकर सवालों को आसानी से हल किया जा सकता है पांच पच्चीस और एक सौ पच्चीस वाले प्रश्नों को हल करना अच्छा अब अट्ठासी गुना 5 को हल करिए 5 अट्ठे चालीस का जीरो चार हासिल 5 अट्ठे चालीस प्लस हासिल के चार तो ये हुआ चवालीस यानी अट्ठासी गुना पांच हुआ चार सौ चालीस देखिए इस सवाल में अगर हम 5 को दस बटे दो लिख दें तो ये हो जाएगा अट्ठासी गुना दस बटे दो यानी 880 बटे दो हुआ 440 देखा आपने पांच को दस के रूप में लिखने से सवाल कितना सरल हो गया इसी तरह अगर 88 गुना पच्चीस करना हो तो हम पच्चीस को सौ भाग चार लिख लेंगे तो 88 गुना सौ हुआ अट्ठासी सौ और अट्ठासी सौ बटे चार हुआ बाईस सौ और 88 गुना 125 करना हो तो हम 125 को 1000 हजार बटे आठ लिख देंगे तो 88 गुना 1000 हुआ अट्ठासी हजार और अट्ठासी हजार बटे आठ हुआ ग्यारह हजार देखा आपने किस तरह हमने पांच पच्चीस और 125 को 10, 100 और हजार में लिखकर सवाल हल कर लिया बच्चों इसी तरह हम 15 को 30 बटे दो पैतीस को 70 बटे दो और 45 को 90 बटे दो लिखकर सवाल आसानी से हल कर सकते हैं प्रतिरूप को समझकर क्रम आगे बढ़ाना बच्चों क्या आप संख्याओं के इस पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हो देखो पहली पंक्ति में एक का गुना आठ से करने के बाद उसमें एक जोड़ा है और हमें उत्तर नौ मिला है और दूसरी पंक्ति में एक दो यानी बारह का गुना आठ से करने के बाद दो जोड़ा है और उत्तर हमें नौ आठ यानी अट्ठानबे मिल रहा है और इसी तरह तीसरी पंक्ति में एक दो तीन और आठ के गुणनफल में तीन जोड़ने पर नौ आठ सात मिल रहा है तो क्या आप बता सकते हैं कि इस चौथी पंक्ति में क्या आएगा हाँ नौ आठ सात छब्बाश आइए अब कुछ सवाल पूछती हूँ जवाब देंगे आप अच्छा अब बताइए सवाल आसानी से हल करने के लिए निन्यानवे को हम इनमें से क्या लिखेंगे बिल्कुल सही सवाल आसानी से हल करने के लिए निन्यानवे को हम सौ माइनस एक लिखेंगे अब बताइए ये कथन सत्य है या सत्य देखिए सात सौ इक्कीस गुना एक सौ पच्चीस में हम एक सौ पच्चीस को एक हजार भाग आठ लिख सकते हैं पर यहां तो एक हजार भाग चार लिखा है यानी ये कथन असत्य है सवाल आसानी से हल करने के लिए 45 को हम इनमें से क्या लिखेंगे बिल्कुल सही सवाल आसानी से हल करने के लिए 45 को हम नब्बे बटे दो लिखेंगे अब बताइए इस रिक्त स्थान में क्या आएगा हाँ, इस रिक्त स्थान में सत्तर आएगा क्योंकि पैंतीस को हम सत्तर बटे दो लिख सकते हैं ना अच्छा आप बताइए दो सौ पंद्रह गुना पंद्रह का मान क्या होगा हाँ, तीन हजार दो सौ पच्चीस देखिए पंद्रह को हम तीस बटे दो लिख लेंगे और 215 गुना 30 हुआ 6450 और 6450 बटे दो हुआ 3225। बच्चों वर्कबुक के प्रश्नों का खूब अभ्यास करना मैं चलती हूं बच्चों अब मैं जाती हूँ कल फिर मिलने आती हूँ इंग्लिश में अब होंगी बातें मैथ सीखेंगे हंसते गाते आपको ये वीडियो देखकर मज़ा आया ना अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो गतिविधियाँ क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन और हाँ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।